ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्ते। ये महर्षि रामना से बातचीत का 13वां वीडियो है। ये वीडियो 146वीं बातचीत से शुरू होता है। 26 जनवरी 1936 146वीं बातचीत। एक शिष्ट एवं अत्यंत संपन्न परिवार की भारतीय महिला कुमारी लीना साराबाई के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, ममत्व की अवस्था आनंद की समत्व की अवस्था आनंद की अवस्था है। वेदों की घोषणा मैं यह हूँ अथवा वह हूँ केवल मन के समत्व की प्राप्ति के साधन मात्र हैं भक्त। अतः हमें एक एक लक्ष्य लेकर प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है महर्षि? पहुँचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वह स्थायी नहीं होगा। लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहंकार सहित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु लक्ष्य तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्य में जो कुछ भी है वह हमारे जन्म अथवा हमारे अहंकार के जन्म से भी पहले से है, क्योंकि हमारा अस्तित्व है अतः अहंकार का भी अस्तित्व होता प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को मन समझें तो हम मन बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को शरीर माने तो हम शरीर बन जाते हैं। संकल्प ही अनेक प्रकार के कोशों की रचना करते हैं। जल के ऊपर की छाया चंचल प्रतीत होती है, किंतु इस छाया के चांचल्य का कोई रोक सकता है? यदि इसकी हलचल बंद हो जाए तो तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा अपितु केवल प्रकाश। इस प्रकार अहंकार तथा उसकी क्रियाशीलता पर ध्यान न देकर उसके पीछे जो प्रकाश है उसी को देखो। मैं का संकल्प अहंकार है, सत्य मैं आत्मा है। भक्त, साक्षात्कार के लिए यह पहली सीढ़ी है। महर्षि, साक्षात्कार पहले से ही है। संकल्प रहित अवस्था ही वास्तविक अवस्था है। साक्षात्कार जैसा कोई कार्य नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा की अनुभूति न हो? क्या कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है? साक्षात्कार करने का अर्थ होगा कि दो आत्माएं हैं, एक साक्षात करने वाली तथा दूसरी साक्षात की जाने वाली। जो पहले से साक्षात नहीं है उसका साक्षात किया जाता है। एक बार अपने स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर लेने के पश्चात यह किस प्रकार संभव है कि हम अपनी आत्मा को न जाने? भक्त, संकल्पों के कारण मन। महर्षि, ऐसा ही है। यह मन ही बीच में खड़ा होता है और हमारे आनंद पर पर्दा डालता है। अपने अस्तित्व का हमें कैसे भान होता है? यदि तुम कहो कि अपने चारों ओर जगत के कारण, तो तुमको यह कैसे मालूम हुआ कि तुम गहन निद्रा में भी थे? भक्त, मन से कैसे मुक्त हों? महर्षि, क्या मन स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मन का वास्तविक स्वरूप जानो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं। आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मन कहीं नहीं रहता। आत्मा में दृढ़ रहने पर किसी को मन की चिंता की आवश्यकता नहीं। भक्त, भय से कैसे मुक्त हूँ? महर्षि, भय क्या है? यह एक संकल्प मात्र है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो भय का कारण है। अन्य कोई भी बाह्य वस्तु को कौन देखता है? पहले अहंकार उदय होता है और दृश्य पदार्थों को बाह्य रूप में देखता है। यदि अहंकार उदय न हो तो केवल आत्मा ही रहती है तथा वह अन्य कुछ भी नहीं है, बाह्य कुछ भी नहीं है। अपने से अन्य पदार्थ कुछ देखने के लिए दृष्टा का अंदर होना आवश्यक है। उसे प्राप्त कर कोई संशय उदय नहीं होगा, कोई भय नहीं रहता। भय ही नहीं, अहंकार के चारों ओर जितने भी संकल्प हैं वे भी इसके साथ विलीन हो जाते हैं। भक्त, सामान्य पद्धति से जिसमें साधन चातुष्टय की अपेक्षा रहती है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह पद्धति सीधी
प्रतीत होती है। महर्षि, हाँ, समस्त दुर्गुण अहंकार के चारों ओर रहते हैं। अहंकार के नष्ट होने से साक्षात्कार सत्य ही हो जाता है। आत्मा में न सद्गुण है न दुर्गुण। आत्मा सर्व गुणों से मुक्त है, केवल मन की उपाधि है। आत्मा गुणातीत है। जहाँ एकता है वहाँ द्वैत भी होगा। एक के अंक से अन्य शृंखलाएं उत्पन्न होती हैं। सत्य न एक है न दो, वह यथावत है। संकल्प शून्य सतगित स्थिति को ऐसे ही रहने दो। इसमें अपना कोई संबंध मत मानो। जिस प्रकार जब तुम चलते हो उसमें पग स्वतः ही अनायास उठते रहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे कार्यों में भी। किंतु संकल्प शून्य अवस्था तुम्हारी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। भक्त, कार्यों में सद असद विवेक क्या है? महर्षि, सद असद विवेक सत्य ही होगा। अंतः प्रज्ञ भक्त अर्थात अंतः प्रज्ञा ही मुख्य है। अंत प्रज्ञा का विकास भी होता है। महर्षि, जिन्होंने महान सत्यों का अविष्कार किया है उन्होंने वह आत्मा की शांति गहराइयों में किया है। अहंकार भूमि पर प्रति व्यक्ति की छाया की तरह है। यदि कोई इसी गाड़ने का प्रयास करे तो मूर्ता होगी। आत्मा केवल एक है। यदि सीमित है तो यह अहंकार है। यदि निस्सीम है तो यह अनंत है एवं सत्य है। बुद्ध बदे एक दूसरे से भिन्न हैं तथा अनेक हैं, किंतु समुद्र केवल एक है। इसी प्रकार अहंकार अनेक हैं जबकि आत्मा एक है और केवल एक है। जब तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम अहंकार नहीं हो, तुम्हें सत्य की अनुभूति करनी चाहिए। अब भी तुम स्वयं को अहंकार से संबंध क्यों मानते हो? यह कथन उसके सदृश है जिसमें औषधि खाते में बंदर का संकल्प करने से मना किया था। यह असंभव है। सामान्य जनता की यही कठिनाई है। सत्य की चर्चा करने पर भी तुम शिवोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान क्यों करते रहते हो? इसके महत्व की खोज करके इसे समझना आवश्यक है। शब्दों का जाप अथवा उसका मन में सोचना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। केवल आत्मा का त्याग ही सत्यता है। अहंकार को जानकर उसको नष्ट कर दो, क्योंकि अहंकार कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। अतः यह सत्य ही नष्ट हो जाएगा एवं सत्यता अपने आप प्रकाशित होगी। यह प्रत्यक्ष पद्धति है, जबकि अन्य पद्धतियों में अहंकार बना ही रहता है। उन पद्धतियों में अनेक संशय उदय होते हैं एवं शाश्वत प्रश्न अंततः हल करने के लिए बना रहता है, किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न एक ही है तथा आरंभ से ही यह सामने आ जाता है। इस प्रकार से की जाने वाली खोज में किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़कर और कोई रहस्य नहीं है कि स्वयं सत्यता होते हुए भी हम सत्यता प्राप्त करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी वस्तु ने हमारी सत्यता को ढक लिया है और सत्यता को प्राप्त करने के लिए पहले इसको नष्ट करना आवश्यक है। यह आशा शब्द है। एक दिन आएगा जब तुम भूतकाल में किए गए अपने प्रयासों पर स्वयं हंसोगे। जिस दिन तुम इस प्रकार हंसोगे वह आज भी और यही है। भक्त, इस प्रकार यह कल्पना रूपी मनोविनोद है। महर्षि, हाँ, योग वासिष्ठ में कहा है, जो सत्य है हमारी दृष्टि से ओझल है, परंतु जो असत्य है वह सत्य जैसा प्रकट होता है। वास्तव में हम केवल सत्य का ही अनुभव कर रहे हैं, किंतु हम इसे जानते नहीं हैं। क्या यह आश्चर्यों का आश्चर्य नहीं है? मैं कौन हूँ कि शोध वह कुल्हाड़ी है जिसे अहंकार काट दिया जाएगा। बात 147वीं बातचीत। एक कन्नड़ सन्यासी के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, मन की अनेक भूमिकाएं हैं। साक्षात्कार पूर्ण तव का होता है। मन द्वारा उसका बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता। सर्व ज्ञान तव अर्थात सर्वम होना है। सब कुछ का केवल मन से संबंध है। ज्ञात तथा अज्ञात दोनों मिलकर सर्वम होते हैं। मन की सीमा को पार कर तुम आत्म भाव से रहते हो। वर्तमान ज्ञान केवल सीमित का है। वह ज्ञान निस्सीम है। ऐसा होने से उसी ज्ञान से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ज्ञाता होकर न रहो तब पूर्णता है। 27 जनवरी 1936।
148वीं बातचीत। एक गुजराती सज्जन ने कहा कि वे नाद पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं एवं जानना चाहते थे क्या यह पद्धति ठीक है। महर्षि, निर्धारित पद्धतियों में नाद पर ध्यान भी एक पद्धति है। इसके समर्थक इस पद्धति को एकदम विशेष उत्तम मानते हैं। उनके अनुसार यह पद्धति सबसे अधिक सुलभ तथा अत्यधिक सीधी है। जिस प्रकार बालक को लोरियां गाकर सुलाते हैं, उसी प्रकार नाद मनुष्य को शांत कर समाधि अवस्था में प्रवेश करा देता है। फिर जिस प्रकार एक राजा लंबी यात्रा से लौटते अपने राजकुमार के स्वागतार्थ राज्य के संगीताचार्यों को आगमानी करने हेतु भेजता है, उसी प्रकार नाद भक्त को परमात्मा के प्रसाद में आनंद पूर्वक ले जाता है। नाद से एकाग्रता सहज में हो जाती है। नाद की अनुभूति कर लेने पर स्वयं इसे ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। नाद लक्ष्य नहीं है, दृष्टा को दृढ़ता से पकड़ना होगा, अन्यथा उसका परिणाम होगा शून्य। यद्यपि दृष्टा सुनने में भी है, किंतु उसे विभिन्न प्रकार के नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं रहेगा। उस सुनने में भी जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वयं की आत्मा को स्मरण रखना आवश्यक है। नाद उपासक उत्तम है। यह उत्तम होगा यदि इसे खोज विचार से संबद्ध कर दिया जाए। इस प्रणाली से नाद चिन्ह में तथा तन में ज्ञान का तथा आत्मा का हो जाता है। नाद एकाग्रता में सहायता करता है। 28 जनवरी 1936। 149वीं बातचीत। एक साधु के प्रश्न करने पर कि क्या देह आदि की विष मृत्यु हो ही भक्ति है, श्री भगवान ने कहा, तुम देह की चिंता क्यों करते हो? भक्ति का अभ्यास करो तथा देह का क्या होता है इसका चिंतन त्यागो। 150वीं बातचीत। बड़ी उम्र के एक अमेरिकी दंपति श्रीमती एवं श्री कैली तथा उनके साथ आई अन्य व्यक्ति जानना चाहते थे कि बैठने की असुविधा तथा मच्छरों के काटने की स्थिति में वे किस प्रकार एकाग्रता प्राप्त करें। महर्षि, यदि एकाग्रता ठीक हो तो असुविधाएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। असुविधाओं पर ध्यान मत दो, ध्यान में मन को स्थिर रखो। यदि तुम मच्छरों के काटने पर उसे सहन करने का धैर्य तथा शक्ति नहीं है तो तुम आत्म साक्षात की आशा कैसे कर सकते हो? जीवन में सारे कष्टों को सहते हुए ही साक्षात्कार होना चाहिए। यदि तुम अपने आप को आरामदेह करके शैया पर जाओगे तो तुम्हें निद्रा आ जाएगी। कष्ट सहकर भी ध्यान में स्थिर रहो। 31 जनवरी 1936। 151वीं बातचीत। अमरीकी महाशय कुछ ऊंचा सुनते हैं, युवा अवस्था से ही आत्मनिर्भर रहने से श्रवण शक्ति में होता हुआ हवास स्वभावतया उन्हें चिंतित कर रहा था। महर्षि, तुम आत्म निर्भर नहीं थे, तुम अहंकार निर्भर थे। यह अच्छा होगा कि तुम अहंकार निर्भरता को नष्ट कर दो और वास्तव में आत्म निर्भर हो जाओ। श्री भगवान ने पुण्य कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है। इंद्रिय निग्रह आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक आवश्यकता है। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी एक इंद्रिय का निग्रह स्वयं परमात्मा ने ही कर दिया है, यह तो अच्छा ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि उसे विनोद तो अच्छा लगा, किंतु फिर भी उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है। महर्षि, आत्मा केवल एक है। जब तुम अपनी भूलों के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हो तब भी क्या तुम्हें ठेस पहुंचती है? यदि तुम आत्म भाव में दृढ़ हो जाओ तो तुम्हें दोषी ठहराने वाला दूसरा नहीं है। जब तुम जगत को देखते हो तो आत्मा की धारणा नहीं रहती है। इसकी विपरीत आत्मा पर दृढ़ हो तो जगत की प्रतीति नहीं होगी। 1 फरवरी 1936। 152वीं बातचीत। श्रीमती कैली जानना चाहती थी कि वे ध्यान करना उत्तम ढंग से कैसे सीख सकती हैं। महर्षि ने पूछा कि क्या उन्होंने रोमन कैथोलिक की भांति माला फेरकर जाप किया है? उत्तर था, नहीं। महर्षि, क्या तुमने ईश्वर तथा उसके गुणों पर विचार किया है? भक्त, मैंने इन विषयों पर पढ़ा है तथा चर्चा की है। महर्षि, अच्छा, यदि इंद्रियों के स्पष्टया
व्यक्त किए बिना इसका मन में ध्यान पूर्वक विचार चलता रहे, यही ध्यान है। भक्त मेरा तात्पर्य गुप्त मार्ग तथा मैं कौन हूँ मैं वर्णित ध्यान से है। महर्षि, इसकी तीव्रता से इच्छा करो जिससे कि मन भक्ति में द्रवीभूत हो जाए। कपूर के जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता है, मन कपूर है। जब यह सब कुछ भी शेष पीछे छोड़े बिना आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, यही आत्मा का साक्षात्कार है। 4 फरवरी 1936। 153वीं बातचीत। पेशावर के कुछ लोग आए जिनमें एक जुडिशियल कमिश्नर थे तथा एक विद्वान उत्साही युवक था जो जीवात्मा से पृथक परमात्मा में दृढ़ आस्थावान था। उसने कुछ प्रश्न उठाए। श्री भगवान ने उसके अनेक संशयों का एक ही वक्तव्य से समाधान किया। आत्मा को जीव तथा परम की उपाधियों से रहित कर दो और कहो क्या तुम्हें फिर भी कोई अंतर्दृष्टि का दृष्टि गोचर होता है। यदि इसके उपरांत भी संशय बने रहें तो स्वयं इससे प्रश्न करो, संशयकर्ता कौन है, विचारकर्ता कौन है, उसे खोज लो, यह संशय नष्ट हो जाएगा। 5 फरवरी 1935। 154वीं बातचीत। अगले दिन युवक ने प्राणायाम पर प्रश्न किया। महर्षि, ज्ञान के अनुसार प्राणायाम इस प्रकार है, ना अहम, मैं यह नहीं हूँ, ये रिचक है, श्वास बाहर निकालना, को हम, मैं कौन हूँ, ये पूरक है, श्वास अंदर लेना, सो हम, मैं वही हूँ, कुंभक है, श्वास रोकना, इसी विचार की संज्ञा दी गई है। इस विचार से वांछित फल प्राप्त होती है। जिस साधक का इतना विकास न हो जो इसमें लग सके तो कुछ ध्यान करने से श्वास पर संयम होने लगता है तथा मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। मन के संयम के साथ ही श्वास का संयम होने लगता है, अपितु केवल कुंभक पूरक रेचक की ओर ध्यान गए बगैर कुंभक हो जाना भी परिणाम करता है। यह भी सामर्थ्य से बाहर हो तो ऐसे साधक के मन को स्थिर करने के लिए श्वास नियमन निर्धारित किया जाता है। श्वास जितने समय तक नियंत्रण रखा जाएगा मन केवल उतने समय तक ही शांत रहेगा। इस प्रकार यह अवस्था अस्थायी है, निश्चय ही प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। यह कर्मशय साधना प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि तक जाता है। ये अवस्थाएँ मन को वश में करने के लिए हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया है उसके लिए यह नियंत्रण सरल हो जाता है। प्राणायाम उसे मनोनिग्रह की उच्चतर अवस्था तक ले जाता है, अतः योग का लक्ष्य भी मनोनिग्रह है। जिस साधक ने पर्याप्त प्रगति कर ली है वह स्वाभाविक ही प्राणायाम में समय नष्ट न कर सीधा मनोनिग्रह करेगा। बहुत से लोग जिन सिद्धियों के पीछे भागते हैं वे तो सरल परिणाम के विकास से ही सिद्ध हो जाती हैं। आहार संयम की आवश्यकता पर प्रश्न करने पर भी भगवान ने कहा, मित हित भूख अनुकूल भोजन सीमित मात्रा में। भक्ति के महात्म्य के संबंध में प्रश्न करने पर श्री भगवान ने कहा, जहाँ तक विभक्ति है वहाँ तक भक्ति की आवश्यकता होगी, जहाँ तक वियोग है वहाँ तक योग की आवश्यकता होगी। जब तक द्वैत है तब तक ईश्वर तथा भगत भी हैं। विचार के संबंध में भी ऐसा ही है, जब तक विचार है तब तक द्वैत भी है, परंतु स्रोत में विलीन होने के बाद केवल एकता है। भक्ति भी इसी के अनुरूप है, भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत केवल एकता है। ईश्वर विचार भी आत्मा में आत्मा द्वारा होता है, अतः ईश्वर तथा आत्मा एक ही हैं। यदि साधक को भक्ति का निर्देश मिले तथा वह सीधा भक्ति करने लगे तब ठीक है, किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फिर विचार करने लगेंगे। दो हैं, एक मैं तथा एक ईश्वर, दूरस्थ ईश्वर को जानने से पूर्व मुझे समीपस्थ मैं को जान लेना चाहिए। ऐसे साधक को विचार मार्ग का उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः भक्ति तथा विचार में कोई अंतर नहीं है।
155वीं बातचीत उसी व्यक्ति ने समाधि के स्वरूप पर तथा साधनों पर प्रश्न किया। महर्षि, जब समाधि के स्वरूप तथा समाधि में जाने के मार्ग को जानने वाला नहीं रहता, समाधि हो जाएगी। मेजर चैडविक, ऐसा कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही पर्याप्त है, मूर्तियां, तीर्थ यात्रा आदि इतनी प्रभावशाली नहीं है। मैं यहाँ 3 मास से निवास कर रहा हूँ, कह नहीं सकता महर्षि की दृष्टि से किस भांति लाभान्वित हुआ हूँ। महर्षि, महात्मा की दृष्टि पवित्र करती है, पवित्रता दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। पत्थर के कोयले के टुकड़ों को जलने में समय लगता है, लकड़ी का कोयला कम समय में जल जाता है तथा बारूद की ढेरी तुरंत ही धधक उठती है। इसी प्रकार भिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ है जो महात्माओं के संपर्क में आते हैं। श्री कोहिन, मैं ध्यान करते हुए ऐसी स्थिति पर जाता हूँ जिसको शांति कहा जा सकता है और एकाग्रता की मन स्थिति। अब आगे क्या होना चाहिए? महर्षि, शांति ही आत्म साक्षात्कार है, शांति भंग मत होने दो, केवल शांति लक्ष्य होना आवश्यक है। भक्त, किंतु मुझे समाधान नहीं होता। महर्षि, क्योंकि तुम्हारी शांति अस्थाई है, यदि यह स्थाई हो जाए तो इसे साक्षात्कार कहते हैं। 9 फरवरी 1936, 156वीं बातचीत। भगत, क्या अभ्यास के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि, एकांत से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, दूसरों से अलग रहना। महर्षि, ऐसा करना क्यों आवश्यक है? यह केवल भय के कारण है, एकांत में भी दूसरों के आगमन का एवं एकांत भंग का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त एकांत में संकल्पों को कैसे नष्ट करोगे? जिस वातावरण में अभी हो उसी में क्यों नहीं करते? भक्त, किंतु इस समय मन में विक्षेप है। महर्षि, तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो? एकांत का अर्थ है मन को एकाग्र करना, यह भीड़ में भी किया जा सकता है। एकांत संकल्पों का नाश नहीं कर सकता, यह अभ्यास से ही साध्य है। यह अभ्यास यहाँ भी किया जा सकता है। 157वीं बातचीत। भक्त, मैं की खोज में एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक को यह आदेश दिया जाता है कि अनुग्रह के प्रवेश के लिए वह मन को प्रभावहीन अवस्था में रखे। प्रभावहीन फल से निश्चित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महर्षि, आत्मा सदैव विद्यमान है, इसे नवीन रूप से प्राप्त नहीं करना है। भक्त, मेरा आशय यह है कि प्रभावहीन नकारात्मक अवस्था में क्या किया गया है जिसे अनुग्रह की प्राप्ति हो। महर्षि, क्या तुम यह प्रश्न अनुग्रह के बिना कर रहे हो? अनुग्रह प्रारंभ में है, मध्य में है तथा अंत में है। अनुग्रह ही आत्मा है, शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता के कारण गुरु को शरीर सहित माना जाता है, किंतु गुरु के दृष्टिकोण से गुरु केवल आत्मा ही है, केवल आत्मा है। वह बताता है कि केवल आत्मा की सत्ता है, तब क्या आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं है? अनुग्रह की प्राप्ति अन्यत्र कहाँ से होगी? यह केवल आत्मा से होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति अनुग्रह की अभिव्यक्ति है तथा अनुग्रह की अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह सारे संशय भ्रांत दृष्टिकोण के कारण तथा अपने से बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के कारण होते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। भक्त, हमारे सारे प्रश्न हमारे दृष्टि बिंदु के अनुसार होते हैं, जबकि श्री भगवान के उत्तर उनके दृष्टि बिंदु से होते हैं। प्रश्नों का न केवल समाधान ही किया जाता है अपितु उनको प्रभावहीन भी कर दिया जाता है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार मेरे दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।